नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अभी मैं 4 दिन के लिए अपने आश्रम गया था गढ़वाल हिमालय में, और मेरे साथ मेरे 40 से करीब ज़्यादा स्टूडेंट्स भी साथ थे। तो उनको मेरे साथ 4 दिन बिताने का मौका मिला। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, मैंने देखा है कि जो भी आप हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं सारे हंसते रहते हैं, जीवन में सब ठीक चल रहा है, उसके पीछे का राज क्या है। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, मैंने कहा एक हमारा सूत्र है जिसे हम कहते हैं पंचतत्वा प्रैक्टिस। पंचतत्व इसलिए कि जैसे आपको पता भी होगा मेरे इंस्टीट्यूट का या हमारी सोसाइटी का जो नाम है वो पंचतत्व है, और प्रैक्टिस क्या है वो आज आपको बताता हूँ। यानी 5 सूत्र हैं जिन्हें हमने कहा पंचतत्व प्रैक्टिस, और कोई भी इनको अपना सकता है। कोई ये मतलब छुपा हुआ रहस्य नहीं है या कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, बहुत सहज है। जो मुझे मेरे गुरु से मिला, जो मैं जो भी मैंने उनके साथ सीखा, तो उस पूरी चीज को मैंने 5 सूत्रों में पिरोया, उसको हम पंचतत्व प्रैक्टिस या पंचतत्व सूत्र के नाम से जानते हैं। तो पंचतत्व प्रैक्टिस क्या, आज आपको मैं ये बताता हूँ कि सफलता जीवन में सफल होने का, जीवन में सफल हो जाता है, जीवन में खुश रहने का राज क्या है। सबसे पहले है लग्नेश का रत्न। हमें हमेशा आप देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश कौन है, और उसका रत्न आपको जरूर धारण करना चाहिए। अभी क्यों धारण करना चाहिए मैं बताता हूँ। जब भी कोई आदमी समझिए अपनी पूरी उम्र यानी 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उसका निधन हुआ है, तो हमें कहते हैं उसने अपनी 6 अकाल मृत्युओं को बचाया। हमारी हर आदमी की 6 अकाल मृत्यु होती है। कौन सी अकाल मृत्यु काल मृत्यु में कन्वर्ट हो जाए, कोई पंडित कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पहली काल मृत्यु माँ के गर्भ मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया। दूसरी काल मृत्यु प्रसव के दौरान बहुत बच्चे मरते हैं। तीसरी काल मृत्यु 5 साल से पहले, चौथी 12 साल से पहले, जिन्हें हम बालरिष्ट कहते हैं, 12 साल से पहले किसी बच्चे का मृत्यु या कुछ हो जाए उसे बालरिष्ट कहते हैं। 5वीं 32 से पहले, जिसे हम अल्पायु कहते हैं, और मध्यायु कहते हैं। तो 5-6 काल मृत्यु होती है, और अगर कोई अपने 90 साल में मरा तो हम कहेंगे इसने अपनी 6 काल मृत्यु को टाल दिया। ये काल मृत्यु टलती कैसे है? सबसे पहले पिछले जन्म के क्रम, अगर आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत शुभ है तो कर्मों का लाभ आपको इस जन्म में मिल गया। इसलिए देखो जब भी कोई बच जाता है किसी दुर्घटना में, कहते हैं पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, बच गया। दूसरा, इस जन्म का पूजा पाठ कि आपने कितना जप तप किया हुआ है, तभी हम कहते हैं भगवान की कृपा थी, बच गया। और तीसरा आपका लग्नेश का स्टोन। अब आपने कितने कर्म पीछे किए हैं, क्या किए हैं पता नहीं, आपको भी नहीं पता। कितना जप तप आप करते हैं वो आप खुद जानते हैं। तो अब एक ही रेमेडी हमारे पास रह जाती है, लग्नेश का स्टोन। इसको मैं कहता हूँ इट्स लाइक वेयरिंग ए हेलमेट। कि आप बहुत मुझसे कहते हैं सर हमें, आपने हमें लग्नेश का स्टोन बनाया, कुछ हुआ तो है नहीं। और मैं कहता हूँ बेटा कुछ ना हो ये इसलिए दिया है, हेलमेट कुछ करता नहीं है, सीट बेल्ट कुछ करती नहीं है, पर जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन द बेसिक डिफरेंस कि आपने हेलमेट पहना था या नहीं पहना था, आपने सीट बेल्ट पहनी थी या नहीं पहनी थी। तो आपका लग्नेश का स्टोन, जैसे अगर किसी का मेष लगन है तो उसका स्टोन हो गया मूंगा, किसी का अगर वृष है तो हीरा, अगर मिथुन लगन है तो पन्ना, कर्क है किसी का लगन तो मोती, अगर सिंह लगन है तो उनका लग्नेश का स्टोन होगा वो होगा माणिक्य, अगर फिर कन्या लगन है तो हो जाएगा पन्ना, तुला है तो हीरा, वृश्चिक है तो मूंगा, अगर धनु लगन है आपका तो पुखराज, अगर आपका लगन मकर या कुंभ लगन है तो नीलम, और अगर आपका लगन मीन है तो पुखराज। तो पहला सूत्र मैंने आपको बताया कि आप हमेशा अपने लग्नेश का स्टोन एक रिंग में जरूर पहने, और ये पहनना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा इस लाइक ए हेलमेट। यस, मैं ये नहीं कर रहा इससे आपकी शादी हो जाएगी, काम धंधे में बरकत होगी, क्योंकि जब आप होंगे तभी बाकी चीज होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ। मैं किसी आदमी को कहूं कि आपकी उम्र 60 साल है और आपकी किस्मत चमकेगी 65 साल में, तो कह यार क्या पागल पंडित है, ये जब मैं ही नहीं हूं तो किस्मत का क्या करूंगा। तो मैं होना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको लग्नेश का स्टोन बनाते हैं। तो पहली सूत्र आपका लग्नेश का स्टोन। अगले वीडियो में आपको मैं दुष्पा के सूत्र बताऊंगा। धन्यवाद।